वेलकम टू माय चैनल खानदेश एजुकेशन। अभी हाल ही में रिसेंटली CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि जो एग्ज़ाम है वो तो बहुत ही हार्ड गया है। कई स्टूडेंट तो बोल रहे थे बाहर का क्वेश्चन आया है, कई तो बोल रहे थे कि पैटर्न और सिलेबस ही चेंज हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, CSIR नेट ने कुछ चेंज नहीं किया। मॉडरेट था, मैंने देखा इजी था क्वेश्चन पेपर, थोड़ा 50% तक मॉडरेट था, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था CSIR नेट में। वो जो क्वेश्चन पूछने की जो मेथड थी वो चेंज हुई थी अब CSIR नेट में, और ये 2021 से चल रहा, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब CSIR नेट दिसंबर 2023 में जो होने वाला है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टडी कौन सा करना चाहिए। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है CSIR नेट में, PYQ से तो काम नहीं चलेगा। तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस एफोर्ड कीजिए, आप एफोर्ड कर सकते हो। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते तो एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल ले लीजिए IIPS से। IIPS से बेटर दैन करियर एंड एवेरियन फिजिक्स से बेटर है, क्योंकि मैंने IIPS का स्टडी मटेरियल यूज़ किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसमें। तो आप IIPS का ही लीजिए। IIPS इज़ अ सफिशियंट टू क्रैक JRE। तो आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस लगभग 50,000 के आसपास है और करियर की एंड की 36,000 है। तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी अटेंड कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हो। स्टडी मटेरियल जो IIPS का है वो 9 पासों का लिया था मैंने, और एंड करियर एंड का जो है वो 6,000 के लगभग है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर पाते, स्टडी मटेरियल भी ले नहीं पाते, तो उनके लिए मैं रेफरेंस बुक की लिस्ट जो है वो आज हम देखेंगे। रेफरेंस बुक की लिस्ट मैंने जो रेफरेंस बुक पढ़ी है वो काफ़ी यूज़फुल है, और उसके बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले, और उसी के टॉपिक पर आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MMP के लिए मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स के लिए आप HK दास यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ ईजी बुक है HK दास। नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जे सी उपाध्याय एंड खास करके आप जो इंडियन ऑथर्स है उनकी बुक पढ़िएगा। जो बाहर के फॉरेनर्स है उनकी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इंडियन जो ऑथर्स है उसी के आप बुक पढ़िएगा रेफरेंस बुक। तो क्लासिकल के लिए JC उपाध्याय है। ऑप्शनल में आप हर्बर्ट गोल्डस्टीन की ले सकते हो, गोल्डस्टीन की। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो गोल्डस्टीन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हिंदी मराठी मीडियम के हैं वो JC उपाध्याय पढ़ सकते हैं, ये इजी है थोड़ा। नेक्स्ट क्वांटम के लिए आप डेविड ग्रिफिथ की बुक्स एकदम इजी है, डेविड ग्रिफिथ की है और ये काफ़ी इजी बुक है। और क्वांटम के लिए एडिशनल एक और बुक है जो कि है जेटली की बुक है, योरडिन जेटली की। क्वांटम में लिखे हैं योरडिन जेटली की बुक है जेटली, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। या आप एच सी वर्मा का भी बुक पढ़ सकते हो, ये भी इजी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और ये आपके प्रॉब्लम्स के लिए, क्वांटम के प्रॉब्लम्स के लिए डेविड ग्रिफिथ यूज़ कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आप डेविड ग्रिफिथ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आप डेविड ग्रिफिथ यूज कीजिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, आप यूज कर सकते हैं, एंड थर्मोडायनामिक्स, आप यूज कर सकते हो आर के पाथरिया एंड पॉल, एक काफ़ी इजी बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मालविनो एंड लीच, की बुक है। एडिशनल आपको जैकोब मिलेम एंड क्रिस्टोस, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिए हुए हैं मालविनो एंड लीच में, तो मैं रेफर करूंगा यही बुक आप यूज कीजिए। मैंने यूज किए हैं, काफी अच्छी बुक है। सॉलिड स्टेट के लिए पूरी एंड बाबर की बुक यूज कीजिए। एटॉमिक के लिए बुक यूज कीजिए, राजकुमार की बुक है, फेमस बुक है राजकुमार, और काफी इजी है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और कॉन्सेप्ट समझने के लिए, काफी अच्छी बुक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल के लिए न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के लिए केनेथ एस क्रेन की बुक है, और एडिशनल आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए जो कि प्रॉब्लम्स बेस है उसके लिए आप डेविड ग्रिफिथ की बुक है। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए डेविड ग्रिफिथ की बुक है, काफी इजी, पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन भी है, तो इजी बुक है काफी। तो ये रेफरेंस बुक थे सीएसआईआर नेट के लिए, तो मैंने भी यूज किए हैं, और ये थी रेफरेंस बुक ऑफ द सीएसआईआर नेट की। तो इनकी आप नोट्स बनाएगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स निकालते समय प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने हैं साइमल्टेनियसली, तो आपको बेटर फायदा होगा उसका। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।